कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आप लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सुमन पांडे ऑफिशियल, तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल पर। और समय के करीबन अभी 1:30 बज रहा है फ्रेंड्स, और देखिए मौसम है जो पानी आने वाला किया हुआ है। और हम अपने छत पर आए हैं बिस्तर उतारने के लिए, क्योंकि बिस्तर जो है कि हम सोए थे नाइट में ऊपर में, तो छोड़ दिए थे यहीं पर, तो इसलिए अपने बिस्तर को हम नीचे ले जाने के लिए आए हैं, क्योंकि जब पानी आ जाएगी तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहें, जो भी ब्लॉग है रियली लाइफ में मैं जो हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और आगे भी आपको ब्लॉग पर ले चलती हूँ, तो बने रहें आप हमारे वीडियो पर। चिल्ड्रंस, क्योंकि पानी पड़ने का जो मौसम किए हुए हैं, तो शायद मेरी ये है जो बिस्तर अगर भींग जाएगी तो फिर सोने में हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं बिस्तर को उतारने के लिए ऊपर छत पर चढ़ी हूँ, ताकि मैं बिस्तर को उतार कर नीचे रूम में ले जाऊँ और फिर रखूँ, ताकि फिर कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मेरे ब्लॉग पर आप बने रहिए, और आप देख ही रहे हैं समय के करीबन अभी फ़िलहाल ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है फ्रेंड्स, 1:30 बजने को है, और मौसम का तो रूप रंग आप सामने से देखिए। देखिए इसका रूप रंग क्या है, ये आपको सामने से दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए, और अभी फ़िलहाल घर पर सभी लोग तो अपने अपने ड्यूटी पर चले गए हैं, आप देख ही रहे हैं। हमारा कोई बड़ा ज़मीन नहीं है या बड़ा घर नहीं है फ्रेंड्स, जो भी है रियल लाइफ में हम इसी में अपना गुजारा करते हैं, जैसे भी हैं हम जी रहे हैं इसमें। तो चलिए आपको क्या बताऊं, क्या कहूं, इतना ही से आप समझ सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह से जी रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम छत पर आए हुए हैं ताकि मुझे मतलब ये जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ये बेहद मुझे अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और फिलहाल नीचे जब मैं रूम में थी बहुत काफ़ी गर्मी लग रही थी, और लाइट भी कटा हुआ है इसलिए पंखा भी नहीं चल रही है। और जब ऊपर आई हूँ तो देखिए अभी आपके सामने, अब ब्लॉग पर भी आप देख सकते हैं कि अभी देखिए धूप कर दिया है ऊपर रहने से, और आपको बादल का लोकेशन भी मैंने दिखाया कि किस तरह से किया हुआ है। और लोकेशन तो सबसे बड़ी है कि हम अपने छत पर हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बिस्तर रखा हुआ है मेरा, क्योंकि नाइट में हम सोते हैं यहीं पर, तो यहीं पर सोते हैं तो इसलिए बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। सुबह में उठकर मैं मोड़ कर रख देती हूँ, तो आपको मैं दिखा रही हूँ यहीं पर। तो जो मेरा रियली चीज़ है, जो मतलब जैसे मैं हूँ, जिस तरह से सोती हूँ, रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, मैं टोटल आपको दिखाती हूँ वीडियो में। मैं कोई चीज़ छिपाती नहीं हूँ आपसे, और छिपा कर क्या करना, जो मतलब ज़िंदगी में हमारा है वही तो मैं आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ। तो फिलहाल आप लोग देख ही रहे हैं, तो कुछ बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल हमारे वीडियो पर बने रहें, और मैं आगे भी आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या है और नहीं है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए कि पेड़ का रंग जो हरा हरा है कितना अच्छा लग रहा है। और ऊपर में मैं दिखाती हूँ आपको बादल का लोकेशन, कि आप बादल का देख सकते हैं रंग रूप क्या है और किस तरह से किए हुए हैं। और धूप भी उगता है, पानी भी पड़ने वाला मौसम है, हवा तूफान भी है, इस टाइप का मौसम अभी किए हुए, तो आप देख सकते हैं, आपको पूरी नज़ारा मैं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से। और मैं कुछ नीचे का लोकेशन भी आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखाती हूँ। और सबसे बेहतरीन चीज़ तो है इधर बादलों का जो रंग है कितना काला किए हुए आ रहा है, सो आप देख सकते हैं इसमें, आपको तो पूरा दिखाई दे ही रहा है। तो चलिए आप देख सकते हैं कहीं पर बादल काला किए हुए हैं और कहीं पर साफ किए हुए हैं, आपको ये सारा मैं दिखा देती हूँ। बादलों का नज़ारा कुछ इस तरह से किए हुए हैं फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं। पेड़ पौधों का नज़ारा भी आप देख ही रहे हैं, और जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए हम छत पर से नीचे आ गए हैं, और नीचे आने के बाद में और भी जो नीचे का और भी सामान था जो सामने छत पर से नीचे पड़ता था, वो चूल्हा वगैरह भीग जाने की वजह से मैंने चूल्हे को भी झाँप दिया है, तो इसलिए मैं नीचे आई थी फ्रेंड्स, और नीचे का भी काम हो गया। इस तरह से किए हुए फ्रेंड्स लग रहा है कि जैसे वो मजाक कर रहा है, और मजाक की तरह ही लगता है, क्योंकि कभी धूप है तो कभी छाया है, कभी अंधड़ है तो कभी तूफान है, इस तरह से कर रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल बारिश नहीं हुई है, तो देखिए अभी आप देख सकते हैं, या देखिए धूप आ गई है और फिर छाया कर देता है, इसलिए मजाक करना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा अगर जो ज़मीन गीला रहे
रहेगा तो सब लोग को भी दिक्कत होती है, हम लोग को भी दिक्कत हो जाती है फ्रेंड। तो फिलहाल इसी तरह से अगर मौसम किया हुआ रहता है तो वो मुझे मंजूर है और अच्छा है, लेकिन बारिश नहीं मंजूर हो, क्योंकि बारिश से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और सभी को दिक्कत हर काम के लिए हो जाती है। तो क्या करें फिर, चलिए मैं चलती हूँ। आपको प्लीज़, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो का शेयर भी कीजिए। और अगर आप इससे भी अच्छा ब्लॉग चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो मैं और भी बनाने की कोशिश करूँगी और भेजूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।